सतगुरु रूपी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु माता जी का हर पल शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में महाराष्ट्र के 45वें महाराष्ट्र के निरंकारी संत समागम के विचार जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने किए, वो आप जी के चरणों में करने जा रहे हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें श्रद्धा भक्ति आनंद विश्वास पर ही समझाया, और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें श्रद्धा भक्ति आनंद विश्वास पर ही समझा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके हमने विश्वास करना है, भक्ति करनी है, तभी हमें आनंद आएगा। जब तक हमारा सतगुरु निरंकार पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक भक्ति में आनंद नहीं आ सकता, हम भक्ति कर ही नहीं सकते। और जो जोनल इंचार्ज, पहले जो मुंबई की जोनल इंचार्ज श्रीमती कांता जी थे, उन्होंने भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से यही प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह बाबा जी, आप संपूर्ण धरा को प्रेम सूत्र में बांध रहे हैं। और संत निरंकारी मंडल के महासचिव श्री वीडी नागपाल जी ने भी इस समागम में यही सतगुरु बाबा जी से याचना की कि सच्चे पातशाह हम सभी को भक्ति का दान दो। और महात्मा श्री गीतकार श्री जगत सिंह जी ने भी यही कहा कि हे मालिक, तेरी दुनिया में सबका ही मंगल मंगल हो। सभी ने प्रेम से भरे विचार किए और सारी दुनिया के भले की कामना की। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी यही इस अवसर पर यही कहा कि निरंकार के रंग बिरंगे रहकर इसके एहसास के साथ जीवन के सफर को तय करें। मन की सुंदरता पर ही जीवन की सुंदरता निर्भर करती है। जिस पर भक्ति का रंग चढ़ जाता है, वह ऐसे रंग में रंग जाता है। प्रेम का रूप यह परमात्मा हृदय में बसा रहना चाहिए। जब तक यह निरंकार हृदय में नहीं बसता, विश्वास नहीं होता, तब तक भक्ति में आनंद भी नहीं आ सकता। 22 जनवरी 2012 को मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र के तीसरे दिन के विचारों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया कि हर एक भगत जो श्रद्धा भक्ति प्यार से युक्त होकर भक्ति कर रहा है, इस निरंकार का गुणगान कर रहा है, वही अनंत को प्राप्त कर रहा है। इससे हटकर सब दुनिया का शोर और गुल है, जिसमें गाली गलौज, निंदा बखेली और कड़वराहट है। यानी कि केवल सत्य और भक्ति के ऊपर आधारित जो भी वचन है, भगत इसी से आनंदित होते हैं, क्योंकि इनको सत्य प्रिय है, इनको भक्ति प्रिय है। इसलिए इस आधार पर कहे गए वचनों का ये भगत पूरा पूरा आनंद प्राप्त करते हैं। संसार की रुचियां अलग प्रकार की हैं। जैसे सतगुरु बाबा जी ने जिक्र किया कि कोई निंदा बखेली में इंटरेस्ट रखते हैं और कोई निंदा सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। 100 जरूरी काम पीछे छोड़ देंगे और किसी के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, किसी की निंदा की जा रही है, तो वहीं कदम रोक लेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो संसार उन पहलुओं में आनंद उठाता है, उनको निंदा बखेली भले वचन कहने सुनने में आनंद आता है। कड़वे बोल बोल कर दिलों को दुखाते हैं और उनकी इंटरेस्ट, उनकी प्रवृत्तियां उसी के ऊपर ही आधारित होती हैं। इसलिए उनको ना भक्ति अच्छी लगती है, ना भक्तों वाले भाव अच्छे लगते हैं और ना भक्ति वाले पहलू अच्छे लगते हैं। इसलिए कहा है, कबीर पापी भक्ति ना भावे, हरि पूजा ना सुहाई। कि पापियों को हरि की पूजा, बंदगी, इबादत अच्छी नहीं लगती है, उनके लिए ये जहर है, जो अमृत है उसको ये जहर मानते हैं। लेकिन भगत जानते हैं कि अमृत क्या है और विष क्या है।
अमृत क्या है और जहर क्या है, इसलिए अमृत पान करते हैं। इनको अमृत प्रिय है, अमृत ही प्राणदायक है। जहर तो प्राण लेने वाला, नुकसान करने वाला होता है। ऐसे जो पहलू हैं उसको भगत जन विशेषता देते हैं। उस रास्ते पर मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। अगर इंसान आसानी से समझ जाए, सीख जाए, तो फिर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोहराने की आवश्यकता युगों युगों से पड़ी है। सतयुग में हुआ तो त्रेता में दोहराना पड़ा, त्रेता में हुआ तो द्वापर में दोहराना पड़ा। ये युगों की ही बात नहीं है, हर सदी में, हर दशक, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते और हर दिन दोहराना पड़ता है। क्योंकि यह है ऐसा अहम पहलू है जिसकी इतनी अहमियत है कि बार बार दोहराना पड़ता है। और हम कह देते हैं, बोल दिया ना बस, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। मैंने तो कल से इसका जिक्र भी नहीं करना, लेकिन भगत जन जानते हैं कि यह ऐसा पहलू है कि नाराज होकर छोड़ने लायक नहीं है। यह तो दोहराना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा बार बार। एक बच्चे भी होते हैं हमारे पढ़ाई के लिहाज से, कामकाज के लिहाज से, बार बार, क्योंकि हम हित रखते हैं, भलाई रखते हैं उनके प्रति, उनका भला चाहते हैं। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। आप नहीं तो अपने फ्रेंड से कहेंगे, चल तेरी बात मान जाएगा ये हमारा बच्चा। बार बार कहते हैं क्योंकि भलाई रखते हैं मन में बच्चे के प्रति कि बच्चे का ही इसमें बनेगा, संवरेगा। बच्चा अगर इस बात को मान लेगा तो बच्चे की अच्छाई है इसमें, बच्चे की ही भलाई है। तो इसलिए बार बार कहती हैं, दोहराते हैं। तो ये भी जो वचन महापुरुषों संतों के हैं, ये जो शिक्षाएं, आदेश, उपदेश संत तुकाराम जी, नामदेव जी, कबीर जी, रविदास जी, मीराबाई जी, मुक्ताबाई जी, बोतन्ना जी, वैमन्ना जी के हों, स्वामी विवेकानंद जी, समर्थ गुरु राम, श्री गुरु रामदास जी, पंच सखा जी, चैतन्य महाप्रभु जी के हों या सूरदास जी की वाणी हो, तो उन सब ने जो भी आदेश उपदेश दिए हैं वो संसार के हर मानव की भलाई के लिए दिए हैं। संसार में तो लोग बुरा करना जानते हैं, लेकिन भगत हमेशा भला ही करते हैं, भला ही चाहते हैं कि हम उस ऊंचाई तक पहुँचे जिसके लिए महापुरुषों संतों ने कितना जोर लगाया कि उस ऊंचाई को छू जाएं, उस इशारे को समझ लें, उस को हासिल कर ले जो हमने हासिल करना है। वो समझ अगर समझ में आ गए तो हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो संतों महात्माओं ने इंसान को समझाने के प्रयास किए हैं। परिभाषाएं कितनी हैं, कितने कितने मायने निकाले जाते हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं दी जाती हैं, लेकिन महापुरुष संत जन कहते हैं कि अगर उसको निरोल उसी रूप में समझ लिया जाए तो बात बन जाती है। वरना तो दिमाग है और दिमाग खेल खेलता है। कितनी इनके पास दलीलें और ढंग होते हैं, तो लाख वो किंतु परंतु करेगा या दलीलें देगा, तो अगर बात समझ में आ जाए तो सब किंतु परंतु खत्म हो जाती है। फिर कोई दलीलें नहीं, कोई सोच नहीं, इसलिए हमारा उद्धार हो जाता है। भगवान राम जी या भगवान श्री कृष्ण जी के वचन केवल उत्तर प्रदेश या अवध के लिए या द्वारका के लिए, और ना ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के वचनों की अहमियत केवल गुरमुखी पंजाबी भाषा बोलने वालों या पंजाब वालों के लिए या उत्तर भारत वालों के लिए, और ना ही संत तुकाराम जी की वाणी, नामदेव जी की वाणी अहमियत रखती है केवल उनके लिए जो मराठी भाषा जानते हैं या महाराष्ट्रवासी हैं। ये
तमाम वचन हर इंसान के लिए अहमियत रखते हैं। ये सारे संसार के लिए वचन कहे गए हैं। ये जो आदेश उपदेश दिए गए हैं सारे संसार के लिए दिए गए हैं, इसलिए हमने इनके वचनों पर फूल चढ़ाना है। हर किसी का कर्तव्य बनता है। और फूल चढ़ाने का मतलब यह नहीं कि सुनकर केवल झूम लो या वाह वाह कर दो, बल्कि उन वचनों को उस रूप में अपने जीवन में स्थान दे देना है, उनको मान लेना है। संतों महात्माओं की वाणी यही पुकार पुकार कर कहती आ रही है कि हे इंसानों, तुम इस प्रभु परमात्मा, इस ईश्वर निरंकार के साथ अपने मन का नाता जोड़ लो। यह परमात्मा जो अनंत है, कण कण वासी है, यह जो जर्रे जर्रे में है, जिसका आदि अंत नहीं है, जिसका मध्य नहीं है, जो एक जैसा है और जो ऐसा एक परम अस्तित्व है जिसका जिसके साथ हर किसी ने नाता जोड़ना है और अपनी आत्मा को मुक्ति प्रदान करनी है, साथ ही साथ अपने जीवन की यात्रा को भी सुंदर ढंग से तय करना है। जो अपना नाता जोड़ लेते हैं, जो जाग जाते हैं, जो बोध हासिल कर लेते हैं, उनका पार उतारा हो जाता है, वरना तो भव सागर में डूबना निश्चित हुआ करता है। क्योंकि भव सागर से पार होने के लिए ना विद्याएं, ना दौलतें, ना ताकतें और ना सुंदरता सहारा बनती है। पार उतरने का तो एक ब्रह्म ज्ञानी ही साधन बनते हैं। दुनिया में हम कई प्रकार के काम करते हैं तो उसमें कभी कोई जरिया बनता है, कभी कोई जरिया बनता है, यानी कि कभी कोई माध्यम बनता है, कभी कोई माध्यम बनता है। अक्सर हम कहते हैं कि वह इंसान मिल गया और उसके आगे जानने वाले थे और उस पहचान के कारण मेरा काम बन गया, या बहुत पढ़ा लिखा सूझवान मुझे उस सब्जेक्ट का टीचर मिल गया इसलिए मैं उस विद्या को हासिल कर पाया, या बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया, एक बहुत अच्छा ट्रेनर मिल गया जिससे उस विशिष्ट खेल की इतनी बारीकियां मेरे दिमाग में भर दी, इतने हुनर सिखा दिए कि मैं अगर उस खेल में अच्छा कर रहा हूँ तो वो साधन बन गए। इस प्रकार से एक परम सत्य के साथ नाता जोड़ना है जो तो उसके लिए युगों युगों से जो हमें माध्यम बताया गया है कि गुरु बिन भवनिति तरे ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, कि गुरु के बिना संसार सागर से पार होना मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शंकर जैसे उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। अगर भगवान राम जी का जिक्र करते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी का नाम क्यों आता है? भगवान राम जी तो भगवान हैं, भगवान का दर्जा हम उनको देते हैं, उसी श्रद्धा वाले उनके प्रति हमारे मन में भाव हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ऊंचा इतना ऊंचा स्थान हमने उनको दिया तो फिर गुरु वशिष्ठ जी का नाम तो कहीं इतिहास के पन्नों में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जो भगवान हैं वो भी गुरु का सहारा लेते हैं, तो गुरु हमेशा से रहे हैं और वही हैं जो इस संसार सागर से पार उतारते हैं। अगर हम श्रद्धापूर्वक अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारे पात्र में यह खजाना, यह जागृति आ जाती है, यह रोशनी हमारे मन और आत्मा को प्राप्त हो जाती है और यही हमारा पार उतारा कर देती है, वरना तो बेड़ियां ही बेड़ियां हैं। किश्ती जिसको कहते हैं उसको बेड़ी भी कहा जाता है, जिसमें सवार हो गए तो पार उतारा हो गया। लेकिन एक और भी बेड़ी है जिसको जंजीर कहते हैं, हमारे पांव को जिसने जकड़ लिया तो जंजीर में जकड़े रहते हैं। अगर ब्रह्म ज्ञानियों का संग हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए बार बार यही दोहराया गया है कि हमने इस मंजिल को अपनाना है, इस परम अस्तित्व का बोध हासिल कर लेना है, जिसकी प्राप्ति हम असंभव मानकर चलते हैं तो ये असंभव संभव हो जाता है।
जब सतगुरु हमें मिल जाता है। करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरी लाहा, आगे बसन सुहेला। कबीर दास जी भी यहाँ निमंत्रण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ मेरे मित्रों संतों, आओ मेरे मित्रों, आओ मेरे प्यारों, ये संतों महापुरुषों से मिलने का अवसर है, इस अवसर को गंवाओ नहीं, इस अवसर को प्राप्त कर लो और अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लो। हमने अपनी जीवन यात्रा को इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर सुंदर बनाना है और इसके लिए भी इसी जागृति की आवश्यकता होती है। आओ वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं और हर एक को इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं और जोड़कर श्रद्धा भक्ति विश्वास आनंद के ऊपर चलने के लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस परमपिता परमात्मा को जान लो, इसको मन से मान लो और एक हो जाओ और फिर आनंद देखो, फिर भक्ति करो। फिर जब विश्वास आ जाता है फिर भक्ति होती है और आनंद भी होता है। इसलिए कहा है कि गुरु के बिना कभी भी ना किसी का पार उतारा हुआ है और ना हो सकता है, गुरु ही इस संसार सागर से पार कर सकता है। इसलिए हम आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नू मुर्शद बंदे प्या बनावे, मेरे जे हैवाना नू पापी कपटी मूर्ख ताई रब दे नाल मिलांदा है, रहन बहन ते खान पीन दियाँ जाचा प्या सिखांदा है, गम फिक्र सब दूर है करता दिल दा कमल खिलांदा है, कहे अवतार ऐ समा सुहाना रू नू रब मिलांदा है। शहनशाह जी ने हमें इस पावन शब्द के द्वारा समझा दिया है, संपूर्ण अवतार वाणी में समझा दिया है इस पावन शब्द के द्वारा कि आओ इस परमपिता परमात्मा के चरणों में आ जाओ, अपना जन्म सुहेला कर लो, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लो और सारे गम फिक्र इसको दे दो और अपना आनंद से भक्ति करते चले जाओ। जिन्होंने भी इस बात को मान लिया है उन्होंने जीवन में अपना सुख पा लिया है। और कहते हैं कि यह यात्रा हमारी तभी सुंदर हो पाएगी अगर हम सतगुरु के चरणों से नहीं जुड़ते, तो फिर यह हमारी संसार की यात्रा सुंदर होने वाली नहीं है। क्योंकि कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को नफ़रत वीरान करे, प्यार सजाता है और नफ़रत वीरान की लाती है। इसलिए हमने सतगुरु के चरणों में बैठकर इसी को ही विशेषता देनी है और दास भावना से युक्त हो जाना है और अपनी मैं को छोड़कर इस तू में विलीन हो जाना है, इस मैं को समर्पित कर दे इस तू में, तू जो परमात्मा है। कहते हैं तू करता है जगत का तू सबको आधार, जब तू को हम विशेषता देने लग पड़े तो फिर तेरा भी। कहते हैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि जब इंसान तू को विशेषता देने लग जाएगा तो फिर तेरा भी रुतबा वही हो जाएगा जो इस तू का है। जैसे नदी नाले जब सागर में मिल जाते हैं तो सागर का रूप बन जाते हैं, और इसी तरह जब इंसान अपनी हस्ती को मिटा देता है, अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तो फिर वो भी तू ही बन जाता है, फिर वो दो नहीं रह जाते, फिर एक ही हो जाते हैं, फिर आत्मा परमात्मा एक ही हो जाती है। इसलिए आओ जो हमें सतगुरु समझा रहे हैं हम इस लेसन को अपने मजबूत करते चले जाएं, संतों महापुरुषों का संग करते चले जाएं और इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग हर पल करते चले जाएं। जो भी जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें, देश काल दे समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है, हुक्म है दा सिर मत्थे तार के गुरसिख चलता जांदा है। जिस तरह भी सतगुरु हमें देश काल और समय के मुताबिक हमें चलाता है हमने उसी तरह चलते चले जाना है। हम तो सतगुरु के अनजान बच्चे हैं, हमें कोई समझ नहीं है, सच्चे पातशाह जो कुछ भी है आप ही हमारा हो, आप जी ने ही बुद्धि देनी है, आप जी ने ही सद्विचार सद्बुद्धि सद्मार्ग सब कुछ आपने देना है।
हम तो आप जी के चरणों में जुड़े हैं, जिस तरह आप जी चलाना चाहते हो उस तरह हम चलते चले जाएं, जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है, और सबके भले की कामना के लिए सतगुरु के चरणों में दासी अरदास करती है। सभी ने इस अरदास में शामिल होना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। सास संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।